बैच अभी 12th क्लास में और अपनी बैचलर स्टार्ट करना चाहते हैं। नहीं, जरूरी है कि अगर आपको बैचलर्स में जर्मनी में एडमिशन चाहिए लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप जिसने रिसेंटली 12th क्लियर करी है भाई, जिन्होंने ओपन लर्निंग से अपनी फर्स्ट ईयर की बैचलर्स कंप्लीट कर, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अपना बैचलर्स की पढ़ाई जर्मनी से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रीत फ्रॉम हरियाणा एंड करेंटली आई एम स्टडिंग मैनेजमेंट इन जर्मनी। तो भाई सबसे पहली चीज आपको ये जाननी जरूरी है कि अगर आपको बैचलर्स में जर्मनी में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपकी 13 ईयर्स की पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं होती। इंडिया में 12th क्लास तक मतलब स्कूलिंग रहती है। तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप जर्मनी में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो या तो आपको स्टूडेंट कॉलेज का पाथ चूज करना पड़ेगा, या तो आपको 1 साल की बैचलर्स करनी पड़ेगी इंडिया से, तब जाके वहाँ की रिक्वायरमेंट आप मैच कर पाओगे 13 ईयर्स की पढ़ाई की। फर्स्ट थिंग क्या है कि जो बच्चा अपनी अभी 12th क्लास में और अपनी बैचलर स्टार्ट करना चाहता है जर्मनी में, वो एक काम कर सकता है अभी कि वो साथ साथ 12th क्लास के साथ साथ अपनी जर्मन सीख सकता है। ओके, उसके बाद वो इजीली एडमिशन उसको स्टूडेंट कॉलेज में मिल जाएगा, किसी भी पब्लिक उसमें। पर स्टूडेंट कॉलेज के हमेशा चार्ज रहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहता। देन वो एडमिशन ले सकता है बैचलर्स में। तो भाई सबसे पहले बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई 13 साल की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बर्लिन में या फिर कहीं पे भी जर्मनी में, और वहाँ पे पढ़ाई अपनी स्टूडेंट कॉलेज की स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पे इंडिया में रह के अपनी 1 साल की बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हैं, देन आप जर्मनी में सीधा बैचलर्स अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ क्या है, जो अभी जिसने रिसेंटली 12th क्लियर करी है भाई, वो तो दो तरीके से जा सकता है, ठीक है। या तो वो जैसा मैंने पहले बताया, वो अपनी बैचलर्स यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट कर सकता है 1 साल की, देन वो एडमिशन ले सकता है बैचलर्स में, या तो वो स्टार्ट कर सकता है अपना स्टूडेंट कॉलेज जर्मनी में और फिर वो एडमिशन ले सकता है बैचलर्स में। तो भाई दूसरी बात, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपनी बैचलर्स इंडिया में फर्स्ट ईयर यहाँ पे करके, वो अपनी बैचलर्स जर्मनी में स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि भाई आपको फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन आप किसी भी कॉलेज में उनकी साइट पे जाके यूनी असिस्ट के थ्रू जाके एडमिशन की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं और कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी कॉलेज की ऑनलाइन कॉलेज की जो साइट है ऑनलाइन, उनके पोर्टल पे ही अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जिनकी यूनी असिस्ट के थ्रू, आपको पता होगा यूनी असिस्ट क्या है ना, यूनी असिस्ट के थ्रू आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज सच रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपकी बैचलर्स क्लियर होनी चाहिए, मतलब बैचलर्स को मिला के 12th को मिला के, है ना। तो जो भी है वो आप मतलब देखते हैं क्रेडिट क्या है आपके, क्रेडिट वो स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। उसके बाद उन बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, और आपको एटलीस्ट A2 लेवल तक की जर्मन आनी चाहिए। हाँ तो भाई अब मान लेते हैं कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट कर ली है बैचलर्स, है ना, और उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो भाई काफ़ी बंदों को डाउट होता है कि भाई dad.de करके जो भी उनकी साइट है वहाँ पे यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पा रहे। तो भाई आपको एक सिंपल ट्रिक मैं आप बता दूं कि भाई आपको जिस फील्ड में जाना है ना, वहाँ पे एक सर्च फिल्टर का ऑप्शन आता है dad.de पे, वहाँ पे जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो ऑप्शन रहता है उधर आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक कोर्स को, देन उसके बाद उस कोर्स को जिस जिस कॉलेज में प्रोवाइड होते हैं वो कोर्स पढ़ाए जाते हैं, है ना, वो लिस्ट आ जाएगी, देन आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और भाई एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़े, है ना। मेरा एक ऐसा दोस्त है, आपको एक कहानी बता दूँ, ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसने कंसल्टेंट की हेल्प ली थी भाई, वो स्टूडेंट कॉलेज भी उसने कर लिया, उसका अब तक वीज़ा नहीं लगा। देन क्या हुआ कि उसने कंसल्टेंट को सारे पैसे भी दे दिए थे जितने भी उन्होंने मांगे थे वीज़ा तक के प्रोसेस के, बट अब तक है ना उसका वीज़ा नहीं लग के आया, और उसकी 1 साल स्टूडेंट कॉलेज यहाँ पे हो गई। अब कॉलेज वाले उसको स्टूडेंट कॉलेज की सर्टिफिकेट तब देंगे तब वो वहाँ पे आके अपना पेपर, जो स्टूडेंट कॉलेज का पेपर होता है, वो क्लियर कर देगा देन, और वो ऑनलाइन तो होता नहीं है, और इसका यहाँ पे वीज़ा नहीं लग रहा उस यूनिवर्सिटी की वजह से जिस यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट ने एडमिशन कराया था। भाई कंसल्टेंट उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं जिसमें उनका प्रॉफिट बनता है, उनका मार्जिन बनता है,
काफी कंसल्टेंट है दिल्ली में भी है, अलग अलग जगह पे भी होते होंगे, जो कि ऐसा दावा करते हैं कि भाई आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पब्लिक यूनिवर्सिटी में हम आपका एडमिशन करा देते हैं, सॉरी, है ना। तो भाई उसके लिए क्या होता है कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे आपका, तो भाई मेनली आपको बुलाते हैं, आपसे बोलते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 80-90% आपकी रिक्वायरमेंट, आपसे 80-90 एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी आपकी परसेंट होनी चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई होती है कि वो वहाँ पे जाने के बाद इंसान को मैनिपुलेट कर देता है कि भाई वो उनकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो वो आपको रेफर करना चाहते हैं जैसे उसी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लो। तो भाई कंसल्टेंट की हेल्प बिल्कुल, मतलब अपनी थोड़ी सी रिसर्च करो, DAT.DE पे जाके अपने कोर्स में जो भी कॉलेजेस आ रहे हैं उन सबको सिलेक्ट करो। काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसका मैं नाम लूँगा, उसकी भी जो सर्टिफिकेट है उसको प्रेफरेंस देते हैं, उसका नाम है लैंग्वेज पैंथियन, जहाँ पे मैंने भी अपनी जर्मन की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। तो दिल्ली में है उनकी ब्रांच, जो दिल्ली से जा रहा है जर्मनी वो तो लैंग्वेज पैंथियन के बारे में जानते ही होगा। तो भाई एक लैंग्वेज पैंथियन है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, और भाई अपनी B1 क्लियर करो और फिर डायरेक्ट आप एडमिशन लो स्टूडेंट कॉलेज में, देन आप अपने बैचलर स्टार्ट कर सकते हो जर्मनी से। स्टूडेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन चाहिए भाई, उसकी आपको यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, पर मैं आपको मेन बता दूँ स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जैसे आपको पहले पहला यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो, है ना, या तो आप कॉलेज की साइट सेलेक्ट कर लो जिसमें डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो स्टूडेंट कॉलेज में। दूसरे उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिसने अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट कर ली और वो अपनी बैचलर स्टार्ट करना चाहता है जर्मनी में। तो भाई उनकी क्या है कि ऐसा जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, काफ़ी बच्चे इंग्लिश टॉट में भी जाना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे जर्मन टॉट में भी जाना चाहते हैं। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एज सच वो जर्मन टॉट प्रोग्राम में एडमिशन ले। अब उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने ओपन लर्निंग से अपनी फर्स्ट ईयर की बैचलर्स कंप्लीट करी है और अब वो जर्मनी में बैचलर्स अपनी पढ़ाई कंप्लीट स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। तो भाई उनका क्या है कि अगर उनकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे उन्होंने ओपन लर्निंग से बैचलर्स करी है उनकी स्टेट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा जर्मनी में। आपको बस प्रूफ करना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे 30 क्रेडिट मिलते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में 30, टोटल मिला के 60 क्रेडिट आपको जर्मन यूनिवर्सिटी को प्रूफ करना होगा कि 60 क्रेडिट ये होगा और 12th क्लास तक की पढ़ाई, तब आपका इजीली एडमिशन जर्मनी में हो जाएगा। कोई ऐसा एसज और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हाँ अगर आप A2 और A1 लेवल कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में, अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं, बट आपकी परसेंटेज वगैरह हाई होनी चाहिए और आईएलटीएस में अच्छा स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर आप जर्मन टॉट में प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट B1 ही रहती है और आपको एज सच कोई परसेंटेज बताते नहीं है कि इतनी मिनिमम होनी चाहिए, आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने B1 लेवल तक की जर्मन कर रखी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको मेरे से कुछ पूछना है, तो भाई कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और भाई उन बंदों की हेल्प मतलब जो आपसे 250-300 रुपए मांग रहे हैं कि भाई इतने रुपए दो 15 मिनट बात कर लूँगा, तो भाई आपको अगर कुछ भी पूछना हो बैचलर्स में एडमिशन कैसे लेना है तो भाई आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दे दूंगा, भाई डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेना। आपको रेफर करना चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी में उसी में एडमिशन लो। ऐसा ही हुआ था उसके साथ भी, जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है, जिस मेरे दोस्त ने जो